प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं। और मैं आज आपको ये गारंटी देता हूं बच्चों, इससे बेहतर क्लास आपने आज तक अपनी लाइफ में जीन प्याजे की नहीं पढ़ी होगी। जो बच्चा चैनल पर नया आया है वो बस मैं उससे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस क्लास को स्टार्टिंग से और अंत तक देख लेना, उसके बाद सभी YouTube चैनल से पढ़कर आ जाना। आप यही कहोगे कि इससे बेहतर क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। और जो अपना 8 साल का अनुभव है पूरा इसमें झोंक दूंगा, क्योंकि मेरा जो एक सपना है कि हर बच्चे को 140 पार पहुंचाना है, इस सपने को मैं पूरा करके ही रहूंगा। और एक वादा आपसे किया था कि जिस बच्चे को सीडीपी कहीं समझ में नहीं आती है, जिसको सीडीपी से डर लगता है, उसे लगता है कि सीडीपी मेरे लिए नहीं बनी है, मैं सीडीपी के क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, कैसे समझ में आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि घर जाकर पढ़ना भी मत, बस क्लास के क्लास में ही एक एक चीज आपके दिमाग में छाप दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ वीडियो को, और जितने आ चुके हैं उतने लाइक कर दो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक एक बात को इस तरह से दिमाग में सेट कर दूंगा कि सीधी बात चिपका दूंगा, बस कुछ नहीं करना, शांति के साथ मेरी बातों को सुनना है और बहुत अच्छी तरह से मैं आपके दिमाग में चिपका दूंगा। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, तो पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये दिया किसने था? तो ये दिया था बच्चों जीन प्याजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था, जो स्विट्जरलैंड के थे। अब सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों बुद्धि का विकास, यानी कि जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, इसके गुणों का विकास ही क्या कहलाता है, यानी कि बुद्धि से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जो संज्ञानात्मक विकास है वो बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कि बुद्धि से जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ लेना। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भाई? बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। यानी कि इन्होंने कहा कि बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है, बहुत ध्यान से समझना, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसकी बुद्धि का विकास है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, इन्होंने कहा। यानी कि इन्होंने टोटली बात किसकी की? एज की। यानी कि ये जो इनका सिद्धांत था ये किस पर आधारित कर दिया इन्होंने? एज पर। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसकी बुद्धि का विकास भी बढ़ता रहेगा। जैसे पहले बच्चा सरल चीजों को करता है और जब उसकी एज बढ़ती है तो वो जटिल चीजों को करने लगता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क को करने लगता है। कैसे? जैसे बचपन में आप 2+3 इस तरह से आता था तो कैसे जोड़ते थे कि एक डंडा खींचा 2, फिर 3 को जोड़ते थे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। यानी कि यह कैसी चीज थी? पहले बच्चा सरल चीजों को करता है, लेकिन जैसे जैसी उसकी एज बढ़ी, जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी आई, उसकी जो बुद्धि का विकास था वो भी बढ़ता चला गया। आज आपके सामने में अगर इस तरह से कह दूं 5×3+2, 1 सेकंड में उड़ा दोगे कि 5×3=15 और 2=17, यानी कि इन्होंने कहा कि जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी बढ़ता है, और यही कहलाता है बच्चों क्या? संज्ञानात्मक विकास। बात क्लियर हुई? छाप दूंगा दिमाग में एक एक बात दिमाग में छप जाएगी। इन्होंने बच्चों विकास की 4 अवस्थाएं बताई। विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो विकास की 4 अवस्थाएं बताई। विकास की 4 अवस्थाएं बताई बच्चों। कितनी अवस्थाएं बताई?
चार अवस्थाएं बताई और एक एक बात दिमाग में इस तरह से सेट होगी कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि डेवलपमेंट की फोर स्टेज किसने बताई, तो आप तुरंत कह देना सर जीन प्याजे ने बताई। अब इन्होंने एक बात कही जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये विकास की अवस्थाएं है ना, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है बच्चे की बुद्धि का विकास भी होता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी यानी कि इन चरणों को नहीं बदला जा सकता, यानी कि इन्होंने विकास को एक चरणबद्ध प्रक्रिया बता दिया। कैसी प्रक्रिया बता दिया? विकास को चरणबद्ध प्रक्रिया बता दिया, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता। कैसा बता दिया? चरणबद्ध प्रक्रिया बता दिया, यानी कि ये जो आपका डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है, और किसी भी स्टेज को बदला नहीं जा सकता। तो आपसे कहेगा कि इन्होंने विकास को कैसी प्रक्रिया बताया है, आप कह देना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी कि चरणबद्ध प्रक्रिया। छाप दूंगा दिमाग में एक एक बात और बाद में पीपीटी में सारी चीजें दिखाऊंगा, एक एक बात दिमाग में आपके उतार दूंगा, ये गारंटी है। अब होता क्या था, अब मजेदार घटना सुनना, मजेदार घटना सुनना। और मजेदार घटना कैसे सुनोगे? तो इन्होंने विकास की चार अवस्थाएं बताई। एक ये अवस्था थी बच्चों, एक ये अवस्था है जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर। कितना प्यारा बच्चा है, बहुत मजा आने वाला है। सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं बच्चों इसे, क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर, या इसी को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। बच्चे को देख लो काफी क्यूट लग रहा होगा आपको भी। कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था है, जो कब से कब तक चलती है बच्चों? तो ये चलती है जन्म से 2 वर्ष। कितनी अच्छी तरह से दांत फाड़ रहा है ये बच्चा, बहुत मस्त है। इसके बाद ये जो स्टेज होती है, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल या प्री संक्रियात्मक, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। सारी चीजों को फिक्स कर दूंगा एक एक दिमाग में, ठीक है। प्री ऑपरेशनल जो चलती है बच्चों कब से? 2 से 7 वर्ष तक। कितनी चलती है? 2 से 7। ये जन्म से 2 वर्ष चलती है जो सेंसरी मोटर होती है, और जो प्री ऑपरेशनल होती है वो 2 से 7 वर्ष चलती है। ये है बच्चों आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसे बोलते हैं बच्चों क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि ये जो एज चलती है बच्चों, ये एज चलती है आपकी कितनी? ये चलती है 7 से 11 वर्ष। तो आपसे पहली बात तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कितनी बार, कि मुझे ये बता दो जो संवेदी पेशी अवस्था है वो कौन सी चलती है। तो संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष चलती है। आपसे पूछ लेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक चलती है, तो आप कह देना सर 2 से 7 वर्ष चलती है। अगर आपसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछ ले तो आप कह देना 7 से 11 वर्ष चलती है। एक एक बात किस तरह से आपके दिमाग में सेट होंगी, अभी तो कहानी शुरू हुई है। और एक होती है बच्चों जिसे बोलते हैं अमूर्त या औपचारिक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब बहुत ध्यान से समझना, कहानी तो अभी शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 11 से 15 वर्ष। अब मेरे साथ बोलेंगे, पहली चली जन्म से 2 वर्ष, दूसरी चली 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से सीधा सीधा ऐसे ही बन जाता है कि जो प्याजे की अवस्थाएं थी वो कब से कब तक चलती हैं। अब मुझे एक बात बता दो, और बहुत ध्यान से मैं पूछना चाहता हूं, एक एक बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात यहां से ध्यान से समझना, मुझे सिर्फ इतना बता दो, जो ये बच्चा है
जिसका जन्म हुआ है, ये जो बच्चा है, क्या मुझे एक चीज बता सकते हो, क्या इसके पास भाषा होगी या नहीं होगी? मुझे ये बता दो, इस बच्चे के पास लैंग्वेज है या नहीं है? ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं श्रीमान जी, आप जैसा गुरु पाकर मैं ये कहता हूं मैं धन्य होगा। आज जिस बच्चे को कहीं समझ में नहीं आता है, आज गारंटी है एक एक बात इस तरह से छाप दूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा, इस बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती है, क्योंकि यह सिर्फ लेटा हुआ है। देखो, इसके पास कोई भाषा नहीं होती है तो आपसे कहेगा कि भाषा कौन सी अवस्था में नहीं होती है। इसमें जब भाषा नहीं होती है बच्चों, तो ये अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है, इमोशंस को जाहिर करता है। अगर इसे भूख लगेगी तो रोएगा, अगर कोई चीज अच्छी लगेगी तो हंस देगा, इसका मतलब इसमें भाषा नहीं है। अब एक बात बताओ, इसके पास भाषा होगी या नहीं होगी, मुझे ये बता दो। ये 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो मजेदार कहानी होने वाली है, मुझे ये बात बता दो, इसके पास होगा या नहीं होगा? इसके पास भाषा आ जाएगी, इसमें लैंग्वेज आ जाएगी, इसमें नहीं होगी तो कहानी को मजेदार सुने। अब मुझे एक चीज बता दें, स्कूल में जो बच्चा जाएगा, ये बच्चा जाएगा या ये? बच्चों, जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसको आप स्कूल में पकड़ के नहीं ले जा सकते, उसको आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी उसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है तो स्कूल जाएगा, ये मेरा दांत फाड़ता हुआ लाडला। ठीक है, अब होता क्या है, एक था बच्चों रूसो इंस्टीट्यूट, कौन सा था? रूसो इंस्टीट्यूट था। अब जीन प्याजे साहब ने क्या करा, 100-200 बच्चे ले लिए। बच्चों, कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। 100-200 बच्चे लिए और वो सब एक रूम में भर दिए और रूम के बाहर से लगा दी कुंडी। जब रूम के बाहर से कुंडी लगा दी तो उन्होंने कहा कि अब मैं सुनता हूं कि ये आपस में क्या बात करते हैं, और इन्होंने रूम के जाकर ऐसे कान लगा दिए कि आज मैं सुनूं तो सही, ये बालक इतनी भीड़ में होने के बावजूद क्या बात करते हैं। अचानक इनका दिमाग चकरा गया, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ में होने के बावजूद भी ये आपस में ही बात कर रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, खुद से ही बात कर रहे थे। तो प्याजे साहब ने कहा, ये तो गधे हैं, पागल हैं, ये तो गधे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ में होने के बावजूद भी खुद से ही बातें, आपस में भी बात नहीं कर रहे, खुद से बात है। इसका मतलब इन्होंने कह दिया कि बच्चे की जो भाषा होती है वो ईगो सेंटर्ड होती है, अहम केंद्रित होती है। तो छाप दो दिमाग में एक एक बात को। तो शैशवावस्था में जो भाषा बताई, शैशवावस्था में जो भाषा बताई, शैशवावस्था में भाषा कैसी होती है बच्चों? तो भाषा अहम केंद्रित बता दी, ईगो सेंटर्ड बता दी। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, अहम केंद्रित होती है यानी कि ईगो सेंट्रिज्म होती है, कैसी होती है बच्चों? इन्फेंसी स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म होती है। ठीक है, अब बहुत मजेदार बात होगी, बहुत मजेदार बात होगी। कैसे? अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अहम केंद्रित का मतलब क्या है, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि इसको भी तो पूछ लेगा कि अहम केंद्रित होती है कि मुझे आपको यह ही नहीं पता ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है, अहम केंद्रिता का मतलब होता है, बच्चा दूसरे के विचार, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, यानी कि दूसरे के विचारों को ना समझ पाना, दूसरे के विचारों को ना समझ पाना, को ना समझ पाना, ना समझ पाना। आज के बाद जीवन में इतना मजा आ जाएगा, खो दूंगा क्लास में, ये फील नहीं आने दूंगा, ये गारंटी है। बस शिद्दत के साथ बैठ जाओ कि सर आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे, जादू कर दूंगा दिमाग में। यानी कि होता क्या है, बड़े मजेदार वे में समझेंगे। अब ये जो नन्ना मुन्ना था, अब एक बात बताओ, पापा इसे तो बाजार लेके जाएंगे नहीं, चल बेटा तुझे मेला दिखाने लेके चलूंगा, चल। नहीं, क्यों? ये तो बेचारा अपनी दुनिया में मस्त है, इसके पास तो भाषा नहीं है। अब पापा ले गए इसको,
ये जो दांत फाड़ रहा है ना, ये दांत इसीलिए फाड़ रहा क्योंकि पापा इसे मेले में से देख रहे हो, ये जहाज देख रहे हो भाई, इसे पापा मेले में से लिवा के लाए हैं। अब होता क्या था, ओहो गायब हो गया, कोई बात नहीं, हो जा भाई गायब, कोई बात नहीं। अब होता क्या था, इसे पापा मेले में ले गए। अब जब मेले में इसको ले गए तो इसे ये जहाज पसंद आ गया, इसे कोई खिलौना पसंद आ गया, और पापा ने से कहा इसने कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए। अब जैसे आपको भी ले जाते थे मेले में, पापा ने कही बेटा मेरी जेब में तो आज इतने पैसे नहीं है, कल ले लेना, कोई बात ना, तू खिलौने को कल ले ले। ना 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 पापा आज ही चाहिए, मुझे तो खिलौना चाहिए, और ये रोड पर ही फैल जाएगा, रोड पर ही कहेगा, मैं तो अब ऐसे रोड पर खड़ा होऊंगा और रोएगा चिल्लाएगा कि मुझे तो खिलौना चाहिए तो चाहिए। अब इस बेचारे गधे को ये नहीं पता है कि तेरे पापा की जेब में ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसे ना हो, लेकिन पापा चाहे बर्तन मांजे, पापा चाहे भीख मांगे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे लगता है जो ये कह रहा है वो सब सही है, यानी कि पापा के विचारों को नहीं समझ पाएगा, और यही कहलाता है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई है, यानी कि दूसरे के विचारों को ना समझ पाना ही क्या कहलाता है, अहम केंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है। कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो पूरा मजा बाकी है। कैसे कहानी इस तरह से होती है, अब ये कहता है बच्चों ये जहाज ले आता है, अब पापा ने इसे जहाज दिला दिया कि ले बेटा जहाज से खूब सैर सपाटे कर, ठीक है। अब एक बात बताओ, पापा इसे तो जहाज ला के देंगे नहीं, इस वाले को, इस बच्चे को क्या करना है जहाज से, ये तो अपना सोता सोता मस्त है कि दीन दुनिया कहां है मुझे नहीं पता, अपने को तो आराम करना है, आराम फरमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फरमाने दो, जहाज मिला इसको। अब ऐसे ही जैसे आप बाजार में जाते थे तो हम भी, ठीक है, जो हमारी सिस्टर थी, जैसे आप भी बहने हैं यहां पर, तो आप ले आती थी गुड़िया। अब गुड़िया जब ले आती थी तो क्या होता था, आप कहती थी मम्मी मुझे ये गुड़िया अच्छी लग रही है, गुड़िया मिल गई, तो आप गुड़िया को क्या करते थे, गुड़िया को मम्मी जैसे ही रात हुई, मम्मी इस गुड़िया को मैं छिपाया हूं, कहां, मम्मी इसे ठंड लग जाएगी तो इसे रजाई में, और ये गुड़िया क्या होती थी, इस तरह की जब गुड़िया होती थी ना तो उसको ऐसे लिटा देते थे, वो आंख बंद कर लेती थी, ऐसे लिटा देते थे आंख खोल देती थी, इसका मतलब बच्चे को निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं लगा पाता, और इसी को बोलते हैं जीववाद, एनिमिज्म, जीववाद। तो जीववाद कौन सा बच्चा करेगा, जो सेकंड स्टेज का होगा, जो प्री ऑपरेशनल का होगा, किसका होगा, एनिमिज्म कौन करेगा, एनिज्म कौन करेगा भाई, तो जो जो बच्चों प्री ऑपरेशनल का होगा, यानी कि निर्जीव चीज को, यानी कि नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज मान लेना, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग में कोई डिफरेंस ना कर पाना ही क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। अब यहां से कहानी और मजेदार बनती है। कहानी कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा है, हम भी ले आते थे ट्रैक्टर, ठीक है, मेले में गए। आजकल तो खैर मेले वेले लग नहीं रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन का जब से जमाना आया है ना तो ये मेले को खा गया है जमाना। पहले मेला लगता था हमारे टाइम पे, अब सर आपका टाइम कौन था, हम भी गए थे सर मेले में, वो मेला नहीं, वो जो गुज्जर सिंह का लगता नहीं, तो मेले में बच्चे को लगा ट्रैक्टर अच्छा, तो बच्चा ट्रैक्टर ले आया और घर लाके कैसे कहता था कि पापा हट जाओ मेरा ट्रैक्टर आ रहा, पापा तुम्हारी टांग पे चढ़ जाएगा, पापा पैर टूट जाएगा, पापा हट जाओ, पापा ट्रैक्टर आ रहा है। इसको लगता था कि ये सच का ट्रैक्टर है, अगर आपके पापा के पैर से उतर गया तो पापा का पैर टूट जाएगा, यानी कि ये सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा बटन लगाते ये सोचता है इस बटन को चोट ना लग जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये जीववाद का एग्जाम्पल है, किसका। अब सारी बात ये है कि हम इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए एक अलग ही मेथड लाया हूं। एक बात बताओ, ये बच्चा तो ऐसे कहेगा नहीं, जो पहली स्टेज है, ऐसे सोचो पहली स्टेज से कि इस बच्चे का तुरंत जन्म हुआ है, ऐसे
इसका जन्म हुआ है, अब जन्म में इसे ट्रैक्टर ला के ये कह देगा पापा मैं तो हवाई जहाज लाया हूं, ट्रैक्टर लाया हूं, उड़ाऊंगा। नहीं, इसे तो अपने से सोने से ही फुर्सत नहीं है, तो इसे तो सोने दिया जाए मजे से। तो फिर अब ये तो कहेगा नहीं, ये तो काफी बड़ा हो गया है, ये ट्रैक्टर पैक्टर से कहां खेलेगा, ये तो कुछ और ही खेलेगा। तो ये जो बच्चा है जो गायब हो चुका है, जो प्री ऑपरेशनल का बच्चा था, ये क्या करने लगता है, जीववाद करने लगता है। तो अब कहानी को और मजेदार तरीके से समझेंगे और एक एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। होता क्या था बच्चों, एक होता था संगठन, क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एक बात को अब क्रम से समझते हैं। एक इनकी टर्म थी क्या, संगठन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सभी एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाएं भाई, और जिसने वीडियो लाइक नहीं किए इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद मुझसे चाहते हो, मुझे ये आज समझ में नहीं आई है। संगठन का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो संगठन का मतलब होता है बच्चों ज्ञान को व्यवस्थित करना। जैसे आप कहते हो आपको ये नहीं पता बहुत ऑर्गेनाइज रूम है, कितना ऑर्गेनाइज है चीजें, नहीं, इसका मतलब है हमारे पास जो ज्ञान रहता है ये टूटा फूटा रहता है, कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, कुछ यहां से ले लिया, कुछ यहां से ले लिया, यानी कि टूटा फूटा ज्ञान है। तो अब क्या होगा, जो ज्ञान को एक सीक्वेंस में लगाना, ज्ञान को व्यवस्थित करना, ज्ञान को व्यवस्थित करना, ये क्या कहलाता है बच्चों, ज्ञान को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, संगठन करता कहलाता है। अब व्यवस्थित करने के बाद ज्ञान को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी कि संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। यानी कि ज्ञान को पहले क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लगाएंगे। मान लो भाई ऐसे थोड़ी है, एक छोटा बच्चा उसने ए सीखा, बी सीखा, जेड वाई पी, नहीं, उससे पहले क्या करवाएंगे कि ये चीजें बिखरी हुई हैं। ऐसे ही आपके दिमाग में जो विचार हैं, जो ज्ञान है, वो क्या है, बिखरा हुआ है, कुछ यहां पड़ा है, कुछ यहां पड़ा है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है। तो उसे क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस में लगाएंगे, यानी कि पहले उसे व्यवस्थित करेंगे, यानी कि पहले ए फिर बी, और फिर जब सीक्वेंस में लग जाता है फिर उसको स्टोर करते हैं। तो अब बहुत ध्यान से समझना, अब एक बात बताओ, जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन होता है, तो उस मोबाइल फोन में क्या होता है, एक चिप होती है, क्या होती है, चिप होती है, जिस चिप में डाटा को स्टोर करते हैं, जिस चिप में डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो एक चिप होती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी एक चिप होती है जिसका नाम है बच्चों स्कीमा, क्या। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि स्कीमा किसकी टर्म है, तो आंख बंद करके मार देना, जीन प्याजे की टर्म है। किसकी टर्म है, जीन प्याजे की टर्म है। पहला क्वेश्चन ये ही आ जाता है कि स्कीमा किसकी टर्म है, आप कह देना जीन प्याजे की टर्म है, ठीक है। अब जो भी हम ज्ञान स्टोर करते हैं, जो भी हम ज्ञान स्टोर करते हैं वो कहां स्टोर करते हैं, तो स्कीमा में करते हैं। अब ये मत करते चले जाना कि आज तो हम दिमाग में देखेंगे कि ये चिप आखिर है कहां, इस चिप को देखेंगे गुरुजी, आज जाएंगे डॉक्टर के यहां कि डॉक्टर साहब हमें उस चिप को दिखाओ, क्यों, हम किसी की चिप चुरा लाएंगे, जैसे फोन की चिप चुरा लेते थे ना और अपने में डाल देते थे, ऐसे ही सोच रहे होगे कि चिप चुराएंगे और अपने दिमाग में गिरवा ले, नहीं, स्कीमा जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, भगवान ने पहले ही तार काट दिए आपके, क्यों, क्योंकि भगवान को पता थी कि तुम ऐसे काम तो अव्वल हो, अगर तुम्हें चिप दिख जाती तो फिर तुम छोड़ते थोड़ी। जैसे कोई आईएएस बन गया, यार देख तू तो अब आईएएस बन चुका है, एक काम कर अपनी चिप 2 दिन को दिखा दे, मैं भी आईएएस बन जाऊंगा, फिर अपनी चिप को उधार है तेरी, ले लीजो मेरी बदल लीजो, मुझे ड्यूटी मिल जाएगी। ऐसे सर आपका तो सीट एट हो गया, 2 दिन को अपनी चिप दिखा दो, ए सर ज्यादा बनने हो, चिप नहीं दिखा रहे हम, ए दिखा दो सर चिप, 2 दिन की तो बात है,
चुप दिखा दो हमें, चुप तुम्हारी उल्टी कर देंगे हम। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये ऐसे ही चिप बदलते दो लेंगे अपने दिमागों की। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया कि ये चिप दिखाई मत दो। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो स्कीमा होता है ये दिखाई नहीं देता है, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है। क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि मानसिक संरचना है। स्कीमा क्या है आप कह देना, सर मानसिक संरचना है। क्या है? मानसिक संरचना है, ठीक है भाई। क्या है? मानसिक संरचना है जो दिखाई नहीं दे सकती। अब आपसे वो कहेगा कि ज्ञान जो पैटर्न है सब चीज कहां व्यवस्थित होती है, तो आप कह देना स्कीमा में होती है। आपसे कहे स्कीमा किसकी टर्म है, तो आप कह देना जीन प्याजे की टर्म है। कहानी को और मजेदार लेकर चलते हैं, और कहानी में अभी तो शुरुआत है। जितने बच्चे आज उतने ही लाइक कर दो और उतने ही शेयर कर दो, आगे कहानी को और मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। और अगला काम आता था अनुकूलन। क्या आता था? अनुकूलन, जिसे बोलते हैं अडप्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अडप्टेशन बोलते हैं। अब ये अडप्टेशन क्या होता था, अनुकूलन क्या होता था, बहुत ध्यान से समझना। सारी चीजें पीपीटी में है, लेकिन मैं ऐसा टीचर नहीं हूं, मैं ऐसा टीचर हूं यहां के ज्ञान को मैं ये कह रहा हूं, जिस बच्चे ने सीरियस होकर क्लास को शुरुआत से और अंत तक देख लिया ना, आज दिमाग में एक एक बात चिपका दूंगा, और वो ये कहेगा कि इससे बेहतर मैंने कभी जीवन में सीडीपी पढ़ी नहीं है। ये गारंटी है और ये वादा है। ऐसे ही 140 नहीं कहता, ऐसे ही नहीं कहता कि आपको टॉपर बनाऊंगा। ये एक जिद है, और इस जिद को पूरा करके ही आपको दिखाना है। तो कहानी पर आते हैं। ठीक है भाई, अब आ गई होगी। मुश्किलें चाहे लाख आए बच्चों, मुश्किलें चाहे लाख आए, लेकिन रुकना नहीं है। आज हमें पता है हमारी परीक्षा है, लेकिन ऐसे ही स्वर आपकी परीक्षा लेता है, और परीक्षाओं से आपको घबराना नहीं है। आपको साउंड आ गई होगी, जल्दी से एक बार सभी लाइक कर दें और थम्स अप करके बता दें अब आवाज आ गई होगी। ठीक है, अब आ गई होगी। क्यों बच्चों, जीवन में जब आप कुछ काम करते हो तो परिस्थितियां आपको देखेंगी, परिस्थितियां आपको रोकेंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। तो जल्दी से आ जाओ। समावेशन का मतलब दूसरा जो होता था वो होता था आत्मसातकरण। वो बड़ी चालाकी करता है, बड़ी बेरहमी करता है। बेरहमी किस तरह से करता है? नाम बदल देता है, कभी समावेशन दे देता है, कभी आत्मसातीकरण दे देता है। दोनों एक ही नाम है, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है समायोजन। और कभी कभी वो इतना कमीना होता है, समायोजन को समंजन कर देता है बच्चों के साथ, लेकिन आज के बाद वो खेल खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक बात मैं दिमाग में इस तरह से चिपका दूंगा, एक एक बात यहां से सेट कर दूंगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझें। समावेशन जिसे बोलते हैं आत्मसातीकरण, और एक होता है समायोजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों असिमिलेशन। क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? असिमिलेशन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये ही पूछ लिया गया पेपर में कि अनुकूलन के भेद बता दो, तो आप कह देना अनुकूलन के दो भेद होते हैं। पहला समावेशन, जिसे आत्मसातकरण बोलते हैं, जिसे असिमिलेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है सर समायोजन, जिसे एकोमोडेशन बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, एक एक बात दिमाग में छाप दूंगा, ठीक है, एक एक बात दिमाग में छाप दूंगा और बहुत मजेदार आने वाली है अब बात, ठीक है भाई। अब यहां से कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। तो अनुकूलन का मतलब होता था ढालना, तो क्वेश्चन इस तरह से आता था कि एक बच्ची दाल भात यानी कि दाल और चावल को अलग अलग करके खा रही थी, फिर उसकी मम्मी ने बताया कि इनको एक जगह मिलाकर खाओ, अब वो दाल भात को एक साथ खा रही है, ये क्या हुआ, अनुकूलन हुआ। ये अनुकूलन सबका पापा है और इस पापा के दो बेटा हैं, इस पापा के दो बेटा हैं, पहले बेटे का नाम है असिमिलेशन और दूसरे बेटे का नाम है एकोमोडेशन, यानी कि पहले बेटे का नाम है समावेशन और उसी को कह देते हैं आत्मसातकरण। जैसे आप हो, आपके दो नाम है, मान लो आपका नाम है एक, ठीक है, जुबेद, और दूसरा नाम है आपको प्यार से ही बोलते हैं गुड्डा। तो ऐसे ही एग्जामिनर भी बड़ा लालची होता है, वो आपको फंसाता है, उसे पता है कि तुम्हें जुबेद नाम तो पता है, क्या गुड्डा नाम इसका पता है, पता होना चाहिए, इसीलिए वो समावेशन को कभी कभी क्या कह देता है, आत्मसातकरण कह देता है। बात एक ही है। अब यहां से कहानी को ध्यान से समझें, कहानी को ध्यान से समझें, कुछ बच्चे आपस में भूत जी, मजाक जी, दाल भात जी, लट्टी चोखा जी, ये सब आपस में लगे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जीवन में एक दिन आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, जब समय निकल जाएगा एक दिन वो याद आएगा कि आप जिस दिन कामयाब नहीं होंगे उस दिन आप अपनी आपको कोसेंगे, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप कामयाब नहीं हुए उस दिन आप पता है क्या करोगे, जो आपकी किताबें हैं उनको बंद कर रहे होंगे और एक बोरी बिस्तर में उन्हें बांध रहे होंगे, और जिस टाइम पे आप बोरी बिस्तरों में अपनी किताबों को बांध के धर रहे होंगे उस समय आप किताबों को ही नहीं धर रहे होंगे, उस समय आप अपनी उम्मीदों को धर रहे होंगे, और उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी हावी हो जाएगी कि आप खुद ही बिखर जाओगे। मैंने ऐसे ना जाने हजारों अपने गांव में हर एक इंसान को देखता हूं। इसीलिए बच्चों सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप कबीर किताबों को समेट कर धर दोगे, क्योंकि ऐसे सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि सफलता के लिए आपको एक लगन चाहिए, एक जज्बा चाहिए। तो ये मत सोचो कि वो दिन आपके सामने आ जाए कि जिस दिन है, उस दिन को सोचकर देखो जिस दिन तुम सारी किताबों को धर रहे होंगे एक साइड में लपेट कर कि आज मेरा करियर खत्म हो गया, और उस दिन जिम्मेदारियों का जब पहाड़ आप पर टूटेगा फिर ये जो मजाक है ये सब उड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों जज्बे के साथ पढ़ो, क्योंकि अपनी लाइफ को सेटल करो, आपका काम है अपने आप को बचाना, अब आपके पास समय नहीं है। अगर अब आपने समय के साथ मजाक किया तो समय आपके साथ ऐसा मजाक कर देगा कि आप जीवन भर पछताओगे। इसीलिए हौसला रखो, और रख है हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि बस मुझे लाना है, एक एक काम करना है, और दिमाग में एक एक बात को छाप दीजिए, ठीक है। यहां आ जाओ, पहली चीज थी समावेशन, कौन थी, समावेशन थी, आत्मसातकरण थी। अब इसको पढ़ते हैं, आत्मसातकरण होता क्या है, ठीक है, आत्मसातकरण होता क्या है, जिसे बोलते हैं असिमिलेशन, क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, असिमिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, असिमिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, आत्मसातीकरण का मतलब, समावेशन का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार में ही दिमाग में छाप दूंगा। पुराने ज्ञान में जो आपके पुराने अनुभव हैं
उनमें नए अनुभवों को शामिल कर देना, यानी कि पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को डाल देना, यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल कर देना ही क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपके पूर्व अनुभव हैं, पूर्व ज्ञान या पुराने अनुभव, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना, नए ज्ञान को शामिल करना, ऐड कर देना भाई, प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड कर देना, क्या कहलाता है, समावेश कहलाता है। बहुत ध्यान से समझना वरना आप इसमें फंस जाओगे, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसमें क्या होता है, बच्चा दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि अंतर नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। अब बहुत ध्यान से समझना एक एक बात को। जैसे आपके पापा आपको एक रुपया देते थे पहले, पहले आपके ये आपकी गुल्लक होती थी, ठीक है, आपने देखी होगी मिट्टी की बनी, ठीक है, बचपन में इसका बहुत शौक था, तो पापा आपको सिक्का देते थे, आप सिक्के को इसमें डाल देते थे। एक दिन क्या हुआ, पापा ने आपको चांदी का सिक्का डाल दे दिया, तो आपने सोचा कि ये ऐसा ही तो सिक्का है जैसा पहले मुझे सिक्का मिलता था, आपने वो भी सिक्का समझकर उसी गुल्लक में डाल दिया। ये होता है समावेशन, यानी कि आप चीजों में अंतर नहीं कर पाए, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल कर दिया, यही असिमिलेशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहानी को शानदार तरीके से समझेंगे और यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होगी और टर्म आएगी जिसका नाम है समायोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं समंजन। क्या बोलते हैं, समंजन, जिसको बोलते हैं बच्चों एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। अब समंजन क्या होता है तो छाप लेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके। अब समंजन होता क्या है, पुराने ज्ञान में एक एक टर्म अगर मेरी बात आपने समझ ली तो आप जीवन में कभी गलत नहीं करोगे। पुराने ज्ञान में या पूर्व ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को, नए ज्ञान को शामिल करना, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना किसके साथ, बहुत ध्यान से समझे, शामिल करना या तो बदलाव के साथ, बहुत ध्यान से समझना, बदलाव या परिवर्तन या संशोधन, बदलाव परिवर्तन संशोधन। अब मेरी एक ही बात समझ लेना, आपको यही मैं छाप दूंगा। अगर आपको टर्म लिख जाए मॉडिफिकेशन, आपको टर्म दिख जाए चेंज, आपको हिंदी में कहीं भी प्रश्न में बदलाव दिख जाए या आपको परिवर्तन दिख जाए या संशोधन दिख जाए, अगर इन तीनों में से कुछ भी दिखता है आंख बंद करना और समायोजन मार देना। अगर इन तीनों में से कुछ भी ना दिखे तो समावेशन लगा देना, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि इसमें क्या होता है, दो चीजों में वो अंतर करने लगता है। अब पुरानी चीज में, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जो शामिल करेगा वो अंतर के साथ कर लेगा, दोनों चीजों में अंतर ज्ञान कर लेगा और फिर पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को अंतर के साथ शामिल करेगा, यानी कि बदलाव के साथ शामिल करेगा, परिवर्तन के साथ शामिल करेगा या संशोधन के साथ शामिल करेगा, वही कहलाता है समायोजन। जैसे पापा ने उसे सिक्का दिया चांदी का, वो तुरंत समझ जाएगा कि आज तक जो सिक्का था वो कम चमकीला था, आज ये सिक्का जो है ज्यादा चमकीला है। इसका मतलब उसने दोनों चीजों में अंतर कर लिया और बदलाव के साथ उसे दूसरी गुल्लक में डाल दिया, यही क्या है समायोजन। यानी कि जहां बात आ जाए बच्चों, किसकी, जहां बात बदलाव की आ जाए, जहां बात परिवर्तन की आ जाए, जहां बात संशोधन की आ जाए, इंग्लिश में चेंज की बात आ जाए, चेंज मॉडिफिकेशन की बात आ जाए, मॉडिफिकेशन की ये टर्म दिख जाए तो आंख बंद करके समायोजन मार देना, और ये टर्म ना दिखे तो असिमिलेशन मार देना, कुछ भी नहीं करना। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग है। अब बच्चा कर लेता है बच्चों समावेशन और समायोजन, और अंत में वो करता है बच्चों जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन या इक्विलिबीरियम।
इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बच्चों संतुलन या साम्य धारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्य धारण बोलते हैं। अब साम्य धारण क्या होता है, इसी को संतुलन बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब मेरी एक बात समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूं, यह स्कीमा आपका दिमाग, अब आपने कुछ नॉलेज समावेशन से ली, कुछ समायोजन से ली, अब दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाना होता है, जो असिमिलेशन से नॉलेज ली, जो एकोमोडेशन से नॉलेज ली, इनके बीच में जो तालमेल बिठाना है, यही संतुलन या इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे मान लो ये ठंडा पानी है, कैसा पानी है? ठंडा पानी है, और ये आपका गर्म पानी है, कैसा पानी है? गर्म पानी है। अब आपने क्या किया बच्चों, ठंडे पानी और गर्म पानी को दोनों को एक साथ मिला दिया, ये ठंडा पानी ये गर्म, दोनों के एक एक गिलास आपस में यूं मिला दिए। अब दोनों ठंडा और गर्म एक साथ मिलकर क्या कर लिया, दोनों ने संतुलन बना लिया, इक्विलिब्रियम बना लिया, और यही क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। यानी कि समावेशन और समायोजन के द्वारा जो ज्ञान लिया जाता है, उसके द्वारा दिमाग में क्या एक बैलेंस बनाया जाता है स्कीमा में। तो स्कीमा में जो तालमेल बिठाना होता है, वही क्या होता है, साम्य धारण। यानी कि स्कीमा में तालमेल बिठाना, स्कीमा में तालमेल बिठाना क्या कहलाता है बच्चों, तालमेल बिठाना क्या कहलाता है, आप कह देना संतुलन या इक्विलिब्रियम। अब कहानी होती कैसे थी, बहुत मजेदार कहानी थी। इन्होंने क्या कहा कि जब मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में जो भाषा बता दी इन्होंने, शैशवावस्था में जो भाषा बताई वो कैसी बताई इन्होंने, अहम केंद्रित बताई भाई। कैसी बताई? अहम केंद्रित बताई, ईगो सेंट्रिज्म बताई। कैसी बताई? ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि शैशवावस्था में तो अहम केंद्रित होती है, जबकि बाल्यावस्था में कैसी होती है। अगर बात करें बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में ये जो भाषा होती है, बाल्यावस्था में जो भाषा होती है ये कैसी हो जाती है, समाजीकृत हो जाती है। और एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी कि सोशल हो जाती है, कैसी हो जाती है सोशल, एक बार यही पूछ लिया गया कि बाल्यावस्था में, बहुत ध्यान से समझना, बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश हो जाती है। इसका मतलब बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत, अहम केंद्रित के बजाय कैसी हो जाती है, सामाजिकृत हो जाती है। अहम केंद्रित ना हो करके कौन सी हो जाती है, सामाजिकृत हो जाती है। यानी कि इन्होंने दो तरह की भाषा बताई, एक अहम केंद्रित, एक सामाजिकृत। शैशवावस्था में जो होती है अहम केंद्रित, जो एक तरफा होती है, कैसी होती है, एक तरफा, और ये दो तरफा हो जाती है, हो जाती है दो तरफा। जैसे आपने भी देखा होगा, बचपन था बड़े मजेदार थे, बचपन था बड़े मजेदार थे, होता क्या था, हमारे दोस्त की मम्मी चली जाती थी मामा के यहां पर। कहानी को सोचे, दोस्त की मम्मी मामा के यहां पर चली गई, तो हम कहते थे कि मम्मी आज दो रोटी और एक्स्ट्रा दे देना। क्यों? आज जो रोहन है ना, जो मेरे साथ पढ़ता है, उसकी मम्मी मामा के यहां पर गई है, कल को मम्मी तू जाएगी तो मैं उससे ले तो आऊंगा, कल को तू भी तो जाएगी मामा के यहां पर, तो कल को मुझे वो कैसे खिलाएगा, हाँ तो मुझे भी तो जाना है, तुम भी तो जाओगी कल को, तो मैं रोहन को। यानी कि जो चीज दूसरे के लिए करने लगे, दूसरे की चीजों को समझने लगे, दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, वही होता है सामाजिकृत, और इसी को बोलते हैं सोशल। तो बाल्यावस्था में सामाजिकृत हो जाती है और शैशवावस्था में अहम केंद्रित, छाप दूंगा। अब क्या होता था, बड़ी मजेदार कहानी आती थी, और हुआ क्या था कि होता यह था, वो कहता है कि जो बच्चों की सोच है, बच्चों की जो सोच है, सोच मुझे यह बता दो, कई बार प्रश्न आया है, वो वयस्कों से यानी कि अडल्ट से, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है या मात्रा में, बताओ भाई, मात्रा में डिफरेंट होती है या प्रकार में।
क्वांटिटी में डिफरेंट होती है या क्वालिटी में बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे और देखता हूं कितने बच्चे देंगे सही जवाब। यहां से यहां टक्क देसी, मैं ये कह रहा हूं जो बच्चा फ्लो में पढ़ रहा है ना उसके अंदर से ये आ रहा होगा, सच में मजा आ गया क्लास में, ठीक है मजा आ गया। मुझे ये बता दो मात्रा में अंतर होता है या प्रकार में, जल्दी से बता देंगे और एक हर एक बच्चा आंसर करेगा, हर एक बच्चा आंसर करेगा। तो मात्रा में कोई अंतर नहीं होता, मात्रा सभी के पास, तभी तो कहते हैं सभी के पास 1450 ग्राम का दिमाग है, यानी कि मात्रा सभी की कैसी है, समान है। इसका मतलब क्वांटिटी कैसी होती है, समान होती है। मात्रा में कोई अंतर नहीं होता, किसमें होता है, प्रकार में भिन्न होती है, डिफरेंट यानी कि आप अलग तरह से सोचते हो, प्रकार में भिन्न आपके बाबा अलग तरह से सोचते हैं। जैसे आप सोचते हो मैं तो 7 बजे कूदने जाऊंगा, 9 बजे रात को पार्टी करने जाऊंगा, आपके बाबा क्या कहते हैं कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना सही नहीं है और उनकी बात को हम नहीं मानते हैं। यानी कि हमारी सोच और उनकी सोच क्वालिटी में, प्रकार में दोनों अलग तरह से सोचते हैं, तो प्रकार में दोनों की जो सोच हो गई वो भिन्न हो गई, जबकि मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप देंगे छाप। क्वांटिटी में कोई डिफरेंट नहीं होता है, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर किस में होता है, क्वालिटी में होता है। बहुत बेहतरीन, छाप दूंगा भाई दिमाग में। और जितने बच्चे बने हुए हैं उतने ही लाइक होने चाहिए आज, आज उतने ही लाइक होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या बात है सर जी, गजब। मैं ये कह रहा हूं आज के बाद ये कह दोगे आप कि इससे बेहतर CDP हमने कभी पढ़ी ही नहीं है लाइफ में, इससे ज्यादा और क्या कहवाऊं आपसे। तो अब आ जाती है बच्चों और एक बारीक से बारीक पॉइंट, एक छोटे से छोटे पॉइंट को दिमाग में इस तरह से सेट कर दूंगा कि आप ये ही कहोगे सर मजा आ गया, जल्दी से एक बार शेयर कर दे। अब आ जाते हैं जो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई विकास की, कितनी अवस्थाएं बताई, तो विकास की 4 अवस्थाएं बताई, विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कहानी यहां से और मजेदार हो जाती है और कहानी में और ट्विस्ट आएगा, कहानी में किस तरह से ट्विस्ट आएगा ये देखते हैं। तो 4 अवस्थाएं बताई, पहली थी संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी थी संवेदी पेशी अवस्था, जिसे बोलते थे सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशी अवस्था जो चलती थी बच्चों जन्म से 2 वर्ष, कब से चलती थी, जन्म से 2 वर्ष चलती थी। एक एक बात दिमाग में छप जानी चाहिए, इतना पढ़ाऊंगा दिमाग में छप जानी चाहिए एक एक बात। सेंसरी मोटर स्टेज जो थी वो जन्म से 2 वर्ष चलती थी। अब जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो बच्चा क्या कर सकता है, तो इंद्रियों से सीखेगा, किससे सीखता है, इंद्रियों से सीखता है, इंद्रियों से सीखता है, इंद्रियों से सीखना, सेंसेस से सीखता है, यानी कि छूकर देखकर ऐसे सीखता है बच्चा कि छू लिया देख लिया, छूकर देखकर इस तरह से सीखता है, किससे सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। पहला क्वेश्चन ये ही पूछ लेगा सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक चलती है, तो छाप देना सर जन्म से 2 वर्ष चलती है, सर जन्म से 2 वर्ष चलती है। फिर कहेगा इंद्रियों से सीखना किसमें होता है, सर इसी में होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या कह दिया, इंद्रिय गामक अवस्था कह दिया। कौन सी कह दिया, इंद्रिय गामक अवस्था कह दिया। अब जीन प्याजे ने एक बात बताई थी और कहानी यहां से और मजेदार हो जाती है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। जीन प्याजे ने क्या कहा कि जो बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है और वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, यानी कि वातावरण से इंटरेक्ट होकर करता है, ज्ञान की रचना स्वयं करता है बच्चा, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट होकर। इसका मतलब जीन प्याजे आपको समझा गए थे कि बच्चे को बेवकूफ मत समझना, लेकिन हम बेवकूफ समझते हैं बच्चों को। अब कैसे समझते हैं, तो एक कहानी होती है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस।
इतनी अच्छे से तो ऑनलाइन क्लास में हमारे इंजीनियरिंग के टीचर भी नहीं पढ़ाते थे, वेरी नाइस। मैं कह रहा हूं भाई छाप दूंगा, मेरी ये गारंटी है, जितना मेरे अंदर दम है, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं ये कह रहा हूं आज के बाद अगर ये कह जाए बच्चा कि जीन प्याजे में इतनी सी भी दिक्कत है तो ये समझ लूंगा मुझसे पढ़ाना ही नहीं आता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। कैसे? एनवायरमेंट से इंटरेक्ट होकर के। अब बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बता दिया तो एक टर्म थी बच्चों जिसका नाम था वस्तु स्थायित्व। क्या नाम था? वस्तु स्थायित्व नाम था, जिसे बोलते थे ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते थे, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते थे। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अब इन्होंने कहा कि बच्चे को बेवकूफ नहीं समझना। अब मम्मी तो बेवकूफ समझती है, कैसे? याद करो, अपने आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा, आपके भैया का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, अब वो क्या करती है, बच्चा लिया और छोटे से बच्चे को बेड पे सुलाया, ये बेड है, उन्होंने सोचा ये जो नन्ना मुन्ना है ना, देखो ये आजा भाई, आजा, रूस रहा मटक रहा, कोई दिक्कत नहीं, रूसने नहीं देंगे हम तुझे। देखो ये जो बच्चा है, ओहो भाग गया, कोई बात नहीं। जब छोटा बच्चा होता है उसे बेड पर लेटाकर मम्मी चली जाती है खाना बनाने कि बच्चा तो लेटा है। अब बच्चा क्या करता है, इधर देखेगा और वो देखेगा कि मम्मी यहां नहीं है, तेज तेज रोना चालू कर देगा, ऊ मम्मी ऊ ऊ। उसे पता है कि मम्मी भले ही आंखों के आगे से ओझल जरूर हो लेकिन मम्मी यही कहीं है, यानी कि मम्मी का अस्तित्व यही कहीं है, यानी कि जो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना है, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब यहां से कहानी और मजेदार होगी। ठीक है, कहानी और मजेदार होगी। और कहानी किस तरह से बढ़ेगी कि आप दे देते हो बच्चे के हाथ में फोन कि ले बेटा और फोन ले ले। वो करेगा फोन में, किस तरह से करेगा, अब ध्यान से देखना कि फोन ले लिया, फोन चलाएगा और बहुत मजेदार तरीके से। बेचारा बच्चा फोन चला रहा है बच्चा। अब फोन चलाते चलाते होगा क्या, आप एकदम इससे क्या कहोगे, अरे बेटा ये क्या हो गया, एकदम फोन को ले जाके ये कह दोगे, बेटा चिड़िया लेगी फोन को। अब बच्चा इधर देखेगा, उसे पता है, थोड़ी देर वो इधर देखेगा, वो कहेगा कोई चिड़िया फोन को नहीं ले गई है, फोन यही कहीं है, और तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी आंखों के सामने से ओझल जरूर हो लेकिन फोन यही कहीं है, छिपी वस्तु को ढूंढ निकालना ही क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु स्थायित्व कहलाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई, एक बार थम्स अप करके बता दे और जितने बच्चे उतने ही लाइक कर दो। अब बच्चे को बेवकूफ समझने की भूल मत करना। तो अब समय आगे इजाजत नहीं देता है, कल फिर टू बी कंटिन्यूड करेंगे, इसका पार्ट सेकंड आएगा। आपको क्लास ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भर देना, आपको जैसी भी ये क्लास लगी है। और जो बच्चे पढ़ने में खो गए थे, ठीक है बच्चों, मैं एक ही बात कहता हूं कि लापरवाही के चक्कर में अपने सपनों को मत भूल जाना, और पूरी जी जान मंजिल पाने पर लगाना। चाहे लाख मुसीबतें हो, चाहे लाख कठिनाई हो, सबको दरकिनार कर जाना और आपको आगे बढ़ जाना। यानी कि हमेशा बच्चों बी पॉजिटिव, जैसा आप सोचोगे ऐसा आप बन जाओगे। लेकिन उस दिन को सोच के काम करना कि कहीं ये ना हो कि एक दिन हमें बुक सब एक बोरी में बंद करके धरनी पड़े और जिम्मेदारियों का बोझ हम पर आ जाए। तो इसीलिए अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए सही, अच्छे से पढ़ें। कल दोपहर 2 बजे इसका पार्ट 2 आएगा, तो जितने बच्चे हैं
जो सच में हमें दिल से पसंद करते हैं, आज हर बच्चे के स्टेटस पर रोज वीडियो वीडियो सब शेयर करते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से सभी के पास वीडियो को शेयर कर देगा। और जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया है, जो भी 30-40 बच्चे हैं, यानी कि 375 लाइक हो चुके हैं, उतने ही लाइक, और बाद में भी जो बच्चा वीडियो को देखे वो हर बच्चा लाइक कर दे, ताकि हमें यह पता लगे कि जो हमारी मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी। और ये हिंदुओं का नववर्ष है, एक नववर्ष आया है, नई क्रांति लाया है, नई ऊर्जा लाया है, तो इसमें एक ही जज्बा ठान लो कि बस कुछ कर जाना है। और वीडियो जब कंप्लीट हो जाए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर। और आज अगर तुम मुझे सच में मानते हो तो कल बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हैं, और आज भी छाप दे सभी जगह। जितने भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बताएं क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, माता पिता का सेवा करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।